ध्यान साधना में बैठा ना तो मुझे ऐसा लगा केवल माता का मढ़ नहीं है, माता के मढ़ जैसे और कुछ स्थान कच्छ के अंदर है जिन स्थानों की एक श्रृंखला एक लाइन बनी हुई है। तो मैंने क्या करा, अपना जो पुनड़ी का आश्रम है वो पुनड़ी के आश्रम के मैनेजर है हासिफ भाई, उनको मैंने बोला एक कच्छ का मैप निकाला, तो कच्छ का मैप निकाल करके माता के मढ़ से एक लाइन में कितना स्पेस आता है कितना जगह आता है वो दिखा करके मुझे बताओ, तो उसी रास्ते पे हम ढूंढेंगे। उसके बाद जब ढूंढना चलोगे तो जैसे माता के मढ़ से थोड़े आगे रुद्रानी माता का मंदिर है, वही वाइब्रेशंस वही एनर्जी वही ऊर्जा वहाँ पे है। उसके बाद में और सीधे आए त्रवेची माता का मंदिर है, वहाँ पे भी वही ऊर्जा वही एनर्जी वही स्थिति है। और उसके बाद में और आगे आए तो मोमई माता का मंदिर है, वही ऊर्जा वही एनर्जी, यानी एक ही लाइन में ये जगह ये स्थान आज तक कच्चे लोगों को भी पता नहीं है, वो भी वहां जाते नहीं होंगे, लेकिन एक अच्छी ऊर्जा के स्थान एक अच्छे एनर्जी के स्थान कच्छ में चार स्थान है और चारों स्थान में से एक ही स्थान की केवल लोगों को जानकारी है, वो भी जानकारी है सब लोग गए ऐसा भी नहीं। कैसे चारों स्थानों पे आप शांत चित्त होकर जाइए, वहां कुछ मांगने के लिए मत जाइए नहीं तो तुरंत वहां भीड़ लगाने लग जाओ, मांगने के लिए मत जाइए, शांत चित्त होकर जाके बैठिए, कुछ भी मत मांगिए, शांत चित्त होकर के बैठ के वहां की ऊर्जा ग्रहण करें वहां की एनर्जी ग्रहण करें। एक बार यात्रा निकालो ना, चारों धाम यात्रा करते हो, ये चारों धाम कच्छ में ही है, आप जाकर के देखो एक बार चारों धामों पे चारों स्थानों पे आपको ऊर्जा महसूस होगी आपको एनर्जी महसूस होगी, लेकिन कुछ मांगने को मत जाना। देखो मैं ये बता रहा हूँ उसको पूरा समझा करो, आधा अधूरा मत समझो, वहां जाकर के शांत चित्त होकर बैठ जाओ, वहां क्या ऊर्जा हो रही है क्या एनर्जी हो रही है आप उसको महसूस करो और महसूस करके अपने भीतर भरो, तो आप महसूस करोगे ये चारों स्थान किसी सिद्ध पुरुष ने अपनी ऊर्जा स्थापित करने के लिए निर्माण किए हैं।